Hello students, today we'll discuss some examples based on error in measurement. Okay, so please see the video carefully, and after this video we give some problems to do yourself. Okay, so now we start some examples. Okay, and first example based on errors is the sides of a rectangle are 10.5 plus minus 0.2 centimeter and breadth centimeter and 5.2 plus minus 0.1 centimeter. Okay, calculate its perimeter with error limits. क्लियर है ना? तो देखिए, जैसे हमने आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम आर्टिकल कराया था कि एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, एरर इन पावर्स, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है पेरीमीटर विद एरर, उसमें कितनी एरर है। जैसे आप देखिए यहाँ पर इसने साइड्स मेजर की, मान लीजिए लेंथ है, तो इस लेंथ में एरर कितनी है, 0.2 कितनी है, 0.2। देखिए आप एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जब आप प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एरर कौन सी है, एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, ये आपकी परसेंटेज एरर है। देखिए परसेंटेज एरर तो ये हो नहीं सकती क्योंकि परसेंटेज का साइन नहीं है। दूसरा बचा आप ये एब्सोल्यूट एरर है या रिलेटिव एरर है, तो देखिए ऑलवेज आप जब हम बात करते थे रिलेटिव एरर की, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर में क्या था कि डेल्टा एक्स बाय एक्स यूज करते थे, दैट मींस जो यूनिट एक्स की होगी वो यूनिट डेल्टा एक्स की होगी, तो इसका मतलब यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगी जो आपकी एरर है, रिलेटिव एरर है, वो आपकी यूनिट लेस होगी, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बट यहाँ पर इसकी क्या है, यूनिट है, और यूनिट किसकी होगी, डेल्टा एक्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर गिवन एरर है वह कौन सी है, आपकी एब्सोल्यूट एरर। तो अब आप देखिए लिखते कैसे हैं सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में देखिए वी हैव क्या दिया है आपको, लेंथ, तो कैसे डिनोट करेंगे इस लेंथ को, एल, और एरर कितनी है इसमें, प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू 10.5 प्लस माइनस 0.2, क्लियर है ना, सेंटीमीटर। अब बताइए यहां से क्या हुआ, एंड जो आपकी ब्रेथ है बी प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या हुआ आपका, 5.2 प्लस माइनस 0.1 कितना हुआ, सेंटीमीटर। तो इंप्लाइज दैट आप यहां से कह सकते हैं कि जो आपकी लेंथ एल है, लेंथ एल है वो आपकी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, एंड डेल्टा एल इज 0.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब आप देखिए
आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जरा बताइए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है टू इंटू, सॉरी हम इसे डिनोट कर देते हैं पेरीमीटर को, जनरली हम एस से शो करते हैं। तो क्या हुआ ये आपका 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मींस टोटल लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एल इज 10.5 एंड बी इज 5.2। दिस विल बी इक्वल्स टू टी इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका 0.7 एंड 5 10 15.7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 7 = 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 × 5 = 10 और 1 × 11 का 1 का हासिल लगा 1, 2 × 1 = 3, ये आपका हो गया इतने सेंटीमीटर का पेरीमीटर। अब आप निकालिए एरर। अब एरर इन कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट एरर इन एस कितनी है, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। डेल्टा एस इज इक्वल टू, आपने पढ़ाया था हमने कितनी होती है एरर, तो समेशन में एरर होती है आपकी 2 इंटू, देखिए कितना होगा 2 इंटू, एरर्स क्या रहती है ऐड रहती है, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, क्लियर है ना, 2 इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं जिसे आपको बताया था विद वैल्यू पुट करके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी है, डेल्टा एल कितना है 0.2 प्लस 0.1, हमने आपको बताया था एरर ऑलवेज ऐड होती है, क्लियर है ना। देखिए इस 2 को यहां पर मिस्टेक मत कर दीजिएगा, जो मेथड मैंने 2 को मल्टीप्लाई का बताया था आपको, वो मेथड आपका मल्टीप्लीकेशन में था, कॉन्स्टेंट की मेजरमेंट में एरर 0 होगी, बट यहाँ पर ये एडिशन की प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पर 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि दोनों में काउंट होगा ये, ठीक है जी। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये होगी ना वैल्यू आपकी, ऐड कर दीजिए 0.3 यानी कि 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर इंप्लाइज दैट जो आपका पेरीमीटर है एस प्लस माइनस डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, क्लियर है ना आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेथड देखिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर फॉर्मूला याद करने में, तो आप देखिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है एरर का, वो होता है एस प्लस माइनस डेल्टा एस, है ना। अब आप बताइए एस क्या है आपका, एस आपका क्या था 2 इंटू एल प्लस बी। अब आप बताइए यहां पर क्या लिखना होगा आपको, एल को लिखोगे आप प्लस माइनस डेल्टा एल, प्लस बी को क्या लिखोगे आप, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप देखिए ये आपका ये फॉर्मूला बन, तो यहां पर आपका हो गया 2 और यहां पर आपको लिखना होगा एल प्लस बी, एक साथ कर लीजिए और प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये आपका बनेगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, क्लियर है ना आपको। तो यहां से भी आप डायरेक्टली से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जैसा कि मुझे लगता है। तो यहां से भी आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा, बट यहां पर आपको ऑलवेज एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है एरर्स में, इस बात का ध्यान रखिए एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ओके। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दे, डायरेक्ट आपको आंसर यहां से मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो ये था आपका आंसर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रॉब्लम हमने आपको पिछले उसमें कराई थी जो एब्सोल्यूट एरर पता, मीन एब्सोल्यूट एरर पर बेस्ड प्रॉब्लम थी, अब ये आपकी सिंपल प्रॉब्लम हो गई। देखिए यहां पर भी आपको
डेल्टा एल गिवन था, डेल्टा पी गिवन था, एब्सोल्यूट एरर गिवन थी, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट मेजरमेंट एक ही टाइम था। अब ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी करते हैं जिसमें आपको एब्सोल्यूट एरर भी अपने आप ही निकालनी होगी, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा केयरफुली। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम देखिए क्या है आपकी, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय T equals to 2 pi under root L upon G. Measured value of L is, कितनी दी है? L is 20.0 centimeter. Known to 1 mm accuracy. And time for 100 oscillations. Oscillations of the pendulum, जरा देख काफी important example है आपका और NCERT based example है, is found to be ninety second using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जनरली हम G की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर आपका मेजरमेंट दिया गया है लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल l, ठीक है, और दूसरा मेजरमेंट दिया है आपको t के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो 100 पेंडुलम्स का 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम है वो 90 सेकंड है, तो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है ना? तो अब आप देखते हैं व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइनर्स ऑफ जी, आपको इसकी एक्यूरेसी बतानी है। एक्यूरेसी मींस ये बताना है कि कितना एक्यूरेट है, दैट मींस कितने परसेंट ये आपका एरर है इसमें। तो आपको इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है जनरली, तो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर।
ठीक है। तो अब आप देखिए क्या एरर मिलती है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या का डाटा हमें गिवन है, तो उस डाटा से हम फिर मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए क्या का डाटा आपको गिवन है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए वी हैव, सबसे पहले देखिए लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल इक्वल्स टू 220.0 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब आप एरर बताइए, तो एरर कहां तक हो सकती है इसमें। अब एरर निकालने के लिए आपको इसकी लिस्ट काउंट कैलकुलेट करनी होगी। लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का मेथड आपको बता गया, आप इस वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं किस स्केल से मेजर की गई है। बट इसने दिया है यहाँ पर कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 mm। कितनी आई है, 1 mm। दैट मीन्स ये 1 mm तक ये एक्यूरेट है आपका, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये नहीं है। 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ पर डेल्टा, ये इसकी एक्यूरेसी होगी कि इतना पॉइंट ये एक्यूरेट आपका। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिए और लास्ट डिजिट के लिए 1 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई लिस्ट काउंट, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। सेकंड थिंग क्या है आपकी यहाँ पर, देखिए जरा कि 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड आपको गिवन है वो 90 सेकंड है, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, बोलिए। आपको कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इन 1 ऑसिलेशन। क्लियर है ना। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इन 1 ऑसिलेशन। क्लियर है ना। तो यहां पर आप देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है यहां पर। चलिए तो जो टाइम, टोटल टाइम आपको गिवन है यहाँ पर वो 90 सेकंड है, और इसकी जो रिजोल्यूशन है वो आपका 1 सेकंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी आपका है वो आपका कितना है, यहाँ पर देख लीजिए वो आपका हो गया 1 सेकंड। अब इसे भी लिखते हैं, जो आपका टाइम है टी इज इक्वल टू आपको गिवन है 90 सेकंड, किसके लिए, और 90 ऑसिलेशंस, है ना। ये तो देखिए एक्यूरेट होगा ना, तो इसमें कोई एरर नहीं हो सकती। अब देखिए इंपॉर्टेंट किस लिए फॉर्मूला है, आप जरा यहां से आइए। इम्प्लाइज दैट आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है आपका टी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन। तो यहां पर देखिए ये टाइम कितने ऑसिलेशंस का है, 90 का, है ना। तो ये टोटल टाइम हो गया, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो एन मान लीजिए हमने, कितना है एन। देखिए स्टार्टिंग में कुछ ना करिएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब यदि आप यहां पर 100 से डिवाइड कर दो 100 ऑसिलेशन है ना, तो ये देखिए जरा, यदि आप यहां पर 90 सेकंड को 100 ऑसिलेशन से डिवाइड करते हैं तो टाइम पीरियड आपका 0.9 कैलकुलेट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस मेजरमेंट में। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ऑलवेज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए एरर के केस में, कि जो आप मिजर्ड कर रहे हैं डाटा, आपको इस फॉर्मूले को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो मिजर्ड वैल्यू जो है आपके टोटल टाइम है, क्लियर है, लेंथ है, ना कि आपका टाइम पीरियड। तो जो मिजर्ड वैल्यू है इस फॉर्मूले को उसी क्रम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस प्रकार, देन क्या होगा, ये आपका टाइम पीरियड है ना, देन क्या है, देखिए टी की जगह पुट कर दिए टी बाय एन इक्वल्स टू, एन इक्वल्स टू क्या है आपका 100, जो कि क्या है फिक्स है, क्या है ये फिक्स वैल्यू है। तो अब आप देखिए 2π√L/g, काफी स्पेशल न्यूमेरिकल है, जनरली मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें। तो आप देखिए, अब मुझे g का मेजरमेंट करना है, तो आपको g को अलग करना होगा, स्क्वायर कर दीजिए t
टी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर एल बाय जी। अब जी को अकेला करिए, जी इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और ये बन गया आपका एल बाय टी स्क्वायर। अब देखिए ये तो ओवरऑल आपका बन गया कॉन्स्टेंट, ये आपके मेजर्ड वैल्यूज है, ये वेरिएबल्स है। तो अब आप अप्लाई कीजिए क्या एरर कैलकुलेट करने का मेथड। तो ठीक है निकालिए, तो एरर क्या होगी इसमें, रिलेटिव एरर पॉसिबल है ना, पॉसिबल ये कैलकुलेट कर लीजिए पॉसिबल। और मैक्सिमम वर्ड इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट, पॉसिबल मैक्सिमम रिलेटिव एरर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका डेल्टा जी बाय जी मैक्सिमम है ना, देख क्लियर ना, आप अप्लाई कीजिए। ये कांस्टेंट है, एरर ड्यू टू कांस्टेंट इज जीरो, ओके, प्लस ऑलवेज पॉजिटिव, आपका एडिटिव नेचर है एरर की। तो एल में एरर क्या होगी, डेल्टा एल बाय स्मॉल एल आपको बताया गया था, और ऐड करते चलेंगे ये आपको पहले क्लियर करा देगा। प्लस अब जो टी है वो ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू होगी, यहाँ माइनस आएगा, माइनस चिन्ह कंसीडर नहीं करते। तो हमें पता है कि पावर रूल में जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है विद पॉजिटिव साइन, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। नाउ देखिए क्या इस फॉर्मूले में आपका एन कंसीडर हुआ नहीं, तो देखिए इसलिए यहाँ केयरफुली आप देखिए, यदि आप एन को यूज करते हैं यहाँ पर डिवाइड कर कर तो मेजरमेंट आपका रॉन्ग होगा, आपका सोल्यूशन एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसलिए कि हमेशा ध्यान रखें जो भी मेजर्ड वैल्यूज है उसी मेजर्ड वैल्यूज की फॉर्म में आपको फॉर्मूले को चेंज करना होगा, उसके बाद आप एरर कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज 0.1 डिवाइडेड बाय 20.0 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी इज 1 सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 90 ओवरऑल, ओके। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, यदि आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला यही निकल कर आएगा, बट यहाँ पर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी होगा, बट उस केस में आपका जो टी होगा कैपिटल, उसमें आपका जो कैपिटल टी होगा वो 0.9 में कैलकुलेट होकर आएगा, और उसकी जो एरर होगी एब्सोल्यूट वो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपका जो मेथड होगा रॉन्ग होगा। तो अगर आपको इसके कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट 0.027 मिलेगी, 0.027, ओके। और ये आपका यूनिट लेस होगी, क्लियर है ना। तो आपका जो आंसर होता है, आपको पता है कि जो एरर्स होती है मैं पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हो सकती है आप कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मैं इसलिए मैं आप बता सकते हैं कि यहाँ पर और करके लिख डेल्टा जी बाय आंसर, ठीक है। एंड परसेंटेज एरर क्या हो गया आपको, इक्वल्स टू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.027 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100%, देखिए कितना आया 2.7% की आपको इस मेजरमेंट में एरर हो सकती है, प्लस माइनस आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही में कंसीडर होंगी, क्लियर है ना। अब देखिए जो भी टाइप के क्वेश्चंस थे, पावर से रिलेटेड थे या डिवीजन से रिलेटेड थे या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थे या एडिटिव नेचर से रिलेटेड थे, प्रॉब्लम्स आपको कराई गई हैं, आप ट्राई कीजिए इसी प्रकार प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। तो यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कीजिए मुझे, इस प्रॉब्लम को आप करा दीजिए तो मैं प्रॉब्लम कराने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है ना। तो अब आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप, या प्रदीप एमएससी की जो बुक्स है आपकी वो प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, उसमें से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसमें से आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी बुक है, एनसीईआरटी और सेकंड आपका जो है इसमें से आपको प्रॉब्लम करनी है वो प्रदीप है,
फंडामेंटल, ठीक है ना, उसमें आपका जो पेज नंबर है, ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर आप नोट कर सकते हैं 1D, क्लियर ना, तो उससे आप नोट कर लीजिए और इन्हें करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।